हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली ला एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है जो इजी पड़ती है, ठीक है, जो डेली रूटीन्स में काम होते हैं वही सारा है। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मतलब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वो भी वही सिमिलर ही है, पर बस उसमें आपको थोड़े नेम है जो बहुत डाउटफुल लगते हैं और हार्ड लगती है सबको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। आगे भी क्लासेस हैं जो मिलती रहेंगी आपको, तो आप YouTube चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहेगी, ठीक है। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अभी हम बात करने वाले स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अगर जैसे कोई जुडिशियल एग्जाम्स या फिर कोई लीगल एग्जाम्स या कॉन्ट्रैक्ट सेकंड आता है तो आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में आज हम पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स को, ठीक है। 5 पॉइंट्स आपके ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आपको एक्साइट कर देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, देखो पहले हम समझेंगे कुछ वर्ड्स को। अगर आप इन वर्ड्स को समझ गए तो आपको कुछ मोस्ट क्वेश्चन जानने की जरूरत नहीं है, ना आपको ये जानने की जरूरत कि इसमें कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपको इन वर्ड्स को समझना है, इन वर्ड्स को समझो, साथ ही आप अपनी बुक से पढ़ो, इजीली आप इसको समझ जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट सेकंड है वो आपको बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो, फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब क्षतिपूर्ति की संहिता, ठीक है। अब देखो, हम क्या होते हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम से हो, ठीक है, क्या होता है कि कहीं भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है उनमें, ठीक है, प्रॉपर चलता है, पर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइंड करके, जिससे आपको ईजी वे में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम डेली रूटीन में इतनी इंग्लिश यूज नहीं करते, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, क्षतिपूर्ति की संहिता जो सेक्शन 124 में है। देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मान लो इसने क्या किया कि इसकी कोई ट्रक जाना था, ठीक है, इसमें क्या था, सामान था बहुत सारे, जिसको हम बोलते कार्टन थे, ठीक है, कार्टन यहां पे जाके ये मंगवा रहा है, ठीक है। पर इसकी जानकारी किसके थ्रू हुई, सी के थ्रू, ठीक है, सॉरी, ठीक है, सी के थ्रू हुई। तो अब क्या है कि सी इसको गारंटी देगा कि अगर बी आपसे ये जो गुड्स है ये नहीं लेता है, ठीक है, या फिर ये खुद ही ये कह दे कि अगर मैं आपसे ये गुड्स नहीं लूंगा, मतलब जो कर्टन आ रहे हैं, अगर मैं नहीं लूंगा तो भी मैं इसका पे करूंगा ही करूंगा, ठीक है। या फिर कोई और इनका थर्ड पर्सन हो डी, ठीक है, वो कह दे कि ठीक है अगर आपसे ये कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है, अगर आपको कोई लॉस होता है तो मैं इसका पे करूंगा, या सी कहता है, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन आके ये बोल दे, ठीक है। तो क्या हुआ, तो ये होता है कि ये जो पर्सन है, अगर इसने लॉस भी किया इसका, पर इसको तो पे हो जाएगा, मतलब इसको तो क्या है, कंपनसेशन खुद की मिल जाएगी। तो इस तरीके से किसमें होता है, जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे मान लो कि फायर्स का होता है, ठीक है, फायर का हो गया कि अगर आपकी फसल है ये, ठीक है, मान लो, ठीक है, अब यहां पे अगर कैसे भी आग लगेगी तो ये जो कंपनी है ये आपको पे करेगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, तो वो इसी के अंदर आते हैं कि अगर आपको कैसा भी नुकसान होता है, लॉस होता है, हार्म होता है, तो कौन पे करेगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर आता है इसी से ही सिमिलर सारी चीजें रहेंगी अब, ठीक है। इसको देख लो कि भैया अगर इसको जो हार्म हुआ है तो कोई भी थर्ड पर्सन आके जो है इसको पूर्ति कर देगा इसकी। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि आपकी प्रतिभूति की संहिता, मतलब कोई गारंटी ले रहा है आपकी कि अगर आप कुछ भी ऐसा गलत भी करोगे तो भी हम है जो कर देंगे आपका काम, ठीक है। अब ये कहां है, सेक्शन 126 पे। अब मान लो, ठीक है, यहां पे क्या है, दो ही पर्सन रहे। क्यों रहे दो पर्सन, क्योंकि यहां पे क्या है, डायरेक्ट इससे बात नहीं हो रही, इससे ही बात हो रही है, ठीक है। बस ये बता रहा है कि अगर ये लॉस करता है ना आपका तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, यहां पे 3 पर्सन रहेंगे, एक आपका प्रिंसिपल डेटर्स, मतलब मूल देनदार, ठीक है, एक रहेगा डेटर्स और एक रहेगा क्रेडिटर, यहां पे 3 पर्सन रहेंगे। इसमें क्या होगा
एक है जो ये देगा, ठीक है, और ये लेगा। मान लो एक पर्सन है, अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो इससे ही समझ सकते हैं हम इस एग्जांपल से ही, कि मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये अपना गुड्स है जो इसको दे रहा है, ठीक है। अब मान लो लोन लिया मैंने, ठीक है, अब मैं गारंटी दूंगी किसी को, गारंटी क्या दूंगी कि अगर ये पे नहीं करेगा ना तो मैं करूंगी इसका पे, ठीक है। आपने देखा होगा विटनेस जो है, विटनेस के साइन होते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हुआ, यहां मतलब गारंटी ली है किसी ने, ठीक है, यहां पे गारंटी नहीं थी, ये खुद ही क्या कर रहा था, यहां पे इंश्योरेंस टाइप होता है उससे लेट होते हैं ये, और यहां क्या है, ये डेली हम जैसे लोन ले लिया, ठीक है, उसमें आपको क्या गारंटी दे दी कि ये जो है ये आपको देगा ही देगा पैसे, ठीक है। तो ये सेक्शन है जो 126 में बताया गया। फिर है थर्ड, बेलमेंट, बेलर और बेली। अब बेलमेंट क्या होता है, उपनिधान, उपनिधाता और उपनिधि, ठीक है। अब इसको मत समझो, सिंपल सी लैंग्वेज समझो, ये सेक्शन 148 में है। जैसे मान लो, ठीक है, अब यहां से ये हटा दो, यहां क्या हुआ, इसकी एक बाइक है, ठीक है, ये इसको बोलता है ए को कि एक घंटे के लिए तुम्हारी बाइक मुझे दे दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये बेलर हुआ, मतलब ये उपनिधाता, कि ये दे रहा है इसको बाइक कितने घंटे के लिए, सिर्फ 1 आवर के लिए, और ये है बेली, ये ले रहा है। अब इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये 1 आवर के बाद इसको वापस वो सामान दे देगा। लाइक जैसे हम समझते हैं, जैसे फ्रेंड्स में चलता है, ठीक है, जैसे बाइक का एग्जाम्पल है, अगर हम यही देखें कि जैसे हम कपड़े सिलने के लिए स्टिच के लिए दे के आते हैं, ठीक है, लॉन्ड्री वाले के पास जाते हैं, ठीक है, ज्वेलरी बनने के लिए अगर हमको गोल्ड दे के आए, ये हमारा इस गोल्ड को इस डिजाइन में बनाना है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये बेलमेंट, बेलर और बेली में आते हैं, ठीक है, इनके राइट्स और ड्यूटीज हो जाते हैं कि इसको वापस एक घंटे में ये बाइक इसको वापस देनी ही देनी है। तो ये क्या होगा, बेलमेंट। अब ये क्या हुआ, ये बेलर हुआ और ये बेली हुआ, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझो, डेली रूटीन से करके। फिर है प्लेस, पॉनर और पॉनी। अब देखो क्या हुआ, प्लेस का मतलब क्या हुआ, अब ये इनसे दोनों से रिलेट करेगा। देखो जैसे मान लो मैंने लोन लिया, ठीक है, मैं श्योरिटी क्या दूंगी उसको, जो श्योरिटी में हम उसको देते हैं, ठीक है, रखवा देते हैं। जैसे मान लो मैंने लोन लिया 1 लाख का, ठीक है, अब मैंने मान लो इसके पास रखी अपनी ज्वेलरी, तो ये क्या हुआ कि मैंने जो, ये तो हुई गिरवी, ठीक है, ये सेक्शन 172 में इसका जो है एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 172 में, ठीक है, गिरवी, जैसा कि नाम से पता लग रहा होगा कि गिरवी क्या होता है, हम कुछ चीज रख के आए कि जब हम एक महीने बाद आपको 1 लाख रुपीज दे दें तो अब आप हमारी ज्वेलरी वापस दे दो। तो ये क्या हुआ, जो ज्वेलरी देगा वो पॉइनर मतलब गिरवी करता, और ये क्या होगा, लेने वाला, उसको रखने वाला, तो ये क्या हुआ, पौनी मतलब गिरवी ग्राही, ठीक है। प्लेस तो बहुत नॉर्मल है कि जैसे हम बैंक्स में भी जाते हैं, ठीक है, वैसे भी अगर किसी पर्सन से भी लेते हैं इंटरेस्ट पे, तो वो क्या इंटरेस्ट लेता है, साथ ही में कोई श्योरिटी के थ्रू ही जो है लोन देता है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है, मतलब अभिकरण, ये सेक्शन 182 में है आपका, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ, ये एक बड़ा जहां पे जो है मेडिकल, मतलब जो आपकी दवाइयां बनाता है, ठीक है, ये एक कंपनी है। अब ये क्या है, एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपनी दवाइयां कि आप जाके जो है कस्टमर तक पहुंचाओ, शॉप्स वालों के पास पहुंचाओ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कि ये तो जो, ये तो कौन हुआ, ओनर हुआ, ये एजेंसीज हुई और ये इनके कस्टमर हुए, फिर इनके कस्टमर अलग होंगे, ठीक है, लास्ट कस्टमर हो गए। तो ये एजेंसी और जो इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है वही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ठीक है, कि मतलब ये खुद जो है खुद को ओनर नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिकल एजेंसीज है, एजेंसीज क्या, कोई भी कंपनी होती है वो अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो वो क्या करती है, वो एजेंसीज के पास ले जाके दे देती है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। ये एजेंसी खुद डायरेक्ट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, एजेंसीज है जो शॉप्स तक पहुंचाती है, ठीक है, छोटी शॉप्स, बड़ी शॉप जैसी भी है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास, फिर वो क्या है, वो कस्टमर तक। तो ये क्या है, एक तरीके की चेन
है ये, ठीक है, चेन सिस्टम चलता है ये। तो ये क्या हुआ, ये सभी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट था। ये आप 5 पॉइंट अच्छे से समझो, इनको आप रीड करना, आप ठीक है खुद के बेयर एक्ट्स में से रीड करो कि इनका मतलब क्या बता रखा है। ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें हैं जो कहना क्या चाहती हैं। ऑटोमेटिक आपके LLB एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी जुडिशरी एग्जाम हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स बहुत बार पूछे भी जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये गारंटी, ठीक है, बेलमेंट और प्लेस वाला तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक रहता है, ठीक है। तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स और क्लास के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे।